अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो ये वीडियो बहुत से बच्चों के पास जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये अच्छे तरीके से याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और हर दफ़ा एक ना दो ब्रांचे शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आती हैं। मैकेनिक्स, तो इसका पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो जिस इंसान की जो हरकत होती है उसको, जो उसकी जो पढ़ाई और स्टडी जो की जाती है वो यही होती है मैकेनिक्स, और उसके वजूहात और उसके असरात को जिसमें हम स्टडी करते हैं वही होती है जी मैकेनिक्स। उसके अलावा हमारा दूसरी जो हमारी ब्रांच है वो है हीट, इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर के बारे में इसमें हम मुताला करते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करती है, और अफेक्ट ऑफ हीट और हीट के असरात क्या हैं। तो ये हम हीट की ब्रांच में पढ़ते हैं, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है। साउंड, अब हम साउंड पर आ जाएँ तो साउंड भी एक कैसे कह सकते हैं कि साउंड इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आवाज़ की जो लहरें हैं उसके बारे में मुताला करते हैं, देयर प्रोडक्शन के वो कैसे पैदा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के उनकी खसूसियात क्या हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन और वहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके अलावा लाइट, लाइट को ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ये वाला अच्छे तरीके से याद करना, अक्सर ये होता है कि डिफाइन ऑप्टिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, या रोशनी के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब खसूसियात के बारे में, इसको वो वर्किंग कैसे करती है, और यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जिसमें ये होती है रोशनी होती है उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारा कौन सी ब्रांच में पढ़ा जाता है, लाइट, लाइट की ब्रांच में ऑप्टिक्स के। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही हैं हमेशा याद रखें, ये स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। जो चार्जेस की स्टडी है वो रेस्ट या मोशन हालत में जब उनकी स्टडी की जाती है, उनके असरात और उनके आपस में रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ, तो यही जो चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में मुताला करते हैं। इसके अलावा एटॉमिक फिजिक्स, एटम, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटम्स की साख्त और उसकी खसूसियात के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर से जाहिर हो रहा है कि प्रॉपर्टीज़, खसूसियात और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियाई के बिहेवियर और उसकी खसूसियात का जो मुताला किया जाता है वो यही होता है, तो इसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा अब हम प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ते हैं, ये इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लाज्मा जो है वो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मादे की चौथी हालत है, ठीक हो गया। तो इसमें हम प्रोडक्शन, पैदावार और उसकी खसूसियात पढ़ते हैं, ठीक है, आयोनिक मैटर की। तो ये प्लाज्मा फिजिक्स हो गई। अब जियो फिजिक्स, जियो ज़मीन को बोलते हैं, अब याद रखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर का जो मुताला किया जाता है उसे जियो फिजिक्स, यानी जिस ब्रांच में किया जाता है उसे जियो फिजिक्स कहते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ गई होगी, स्टूडेंट वीडियो को ना पूरा देखा करें, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बहुत से बच्चों के पास जाएगी और बहुत से बच्चों का भला हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर बोलने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा ऊपर जो वीडियोस लेक्चर वगैरह हैं आप लोगों से गुजारिश है कि तरतीब बार देखें ताकि फिर आप लोगों को इनकी समझ भी आ सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह।